नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांश सौरभ। बिहार में चुनावी माहौल है, वहीं साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक नया बिल लाया है, किसान बिल। उस किसान बिल को लेकर सियासत तेज है, लेकिन इस को लेकर जो राज्यसभा में हुआ है, इससे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह काफी खफा है। हरिवंश नारायण सिंह काफी नाराज है, उन्होंने इसको लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। हालांकि जितने सांसदों को निष्कासित किया गया था इस सदन में जो कुछ हुआ था उसके लिए, तो उसके बाद उनके लिए वो चाय लेकर पहुंच गए हैं। अनशन पर तमाम लोग जो बैठे हुए थे, निष्कासित कर किया गया था जो सांसदों को, वो सब अनशन पर बैठे हुए थे और उनके बीच वो पहुंच गए, चाय लेकर पहुंच गए। अब चाय लेकर पहुंच गए तो इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चाय को लेकर, यानी हरिवंश नारायण सिंह के चाय को लेकर बिहार चुनाव पर प्रहार कर ही लिया है। आप एक ट्वीट स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने वो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में आप देखेंगे उन्होंने लिखा है, बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया वह प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित करता है, प्रेरित और आनंदित करने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है। ऐसी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। तमाम नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब हरिवंश नारायण सिंह के चाय को लेकर बिहार के चुनावी माहौल में, मतलब उन्होंने एंट्री कर दी है, उन्होंने इसका भी फायदा उठाने का कोशिश किया है। ऐसी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, साथ ही साथ हरिवंश नारायण सिंह के साथ खड़े हुए हैं। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जो बातें भी राष्ट्रपति को लिखी है, जो खत लिखा है, उसकी भी उन्होंने बात कही है। आप स्क्रीन पर वह ट्वीट भी पढ़ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा उसे मैंने पढ़ा। पत्र के एक एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है। यह पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी। इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी। मेरा आग्रह है सभी देशवासी इसे जरूर पढ़े। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स, हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।